अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और बरकत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हरियाली कबाब बनाने की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में 300 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया है। आप चिकन के जो टुकड़े हैं थोड़े बड़े बड़े रखे इस तरह से। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी नमक। नमक मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून के करीब लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, ये भी 1/2 चम्मच से थोड़ा कम। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच हम इसमें दही ऐड करेंगे। आप ध्यान रखिए कि दही का पानी आप इसमें ऐड ना करें। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। इसे बनाने के लिए आप धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते और हरी मिर्च को मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लें। अब हम इसे हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। चिकन में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। आप चाहे तो इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन फूड कलर, बिल्कुल 1 से 2 ड्रॉप आप ग्रीन फूड कलर का ऐड करें और इसे मिक्स कर लें। ग्रीन फूड कलर डालने से इसमें कलर आ जाता है। अगर आपके पास ग्रीन फूड कलर ना हो तो आप इसे स्किप कर दें, ये बस कलर के लिए होता है। और आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट कर लें। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट कर लिया था। अब हम इसे इस तरह से जो लकड़ी के टुकड़े आते हैं उसमें सीख में इसे एक एक करके डालेंगे। आप सबसे पहले इस लकड़ी के सीख को पानी में भिगो के रख दें 1/2 आवर के लिए, उसके बाद आप इसे यूज़ करें। एक एक करके हम जो चिकन के पीसेस से इसमें डालेंगे। आप इसमें अगर बड़े गोश्त के टुकड़े हो तो आप इसे 3 डालें और अगर छोटे हो तो आप इसे 4 डालें। थोड़ा थोड़ा आप इसके बीच में स्पेस ज़रूर दें इस तरह से। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। सीक में आप एक एक करके चिकन के पीसेस को ऐड कर दें, ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। 4 से 5 घंटे आप इसे ज़रूर मैरिनेट करें तभी ये इतने सॉफ्ट होंगे और फटाफट गैस पे बन भी जाएंगे। यहाँ मैंने चिकन के छोटे छोटे पीसेस लिए इसलिए मैं इसमें 4 ऐड करूँगी। इस प्रोसेस को रिपीट करके आप सारे चिकन को सीक में डाल लें और जो बचा हुआ मसाला हो आप इसे इस तरह से लगा लें। यहाँ मैंने सारे सीख में कबाब को डाल दिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन में मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम एक एक करके जो अपने हरियाली कबाब है इसमें रख देंगे। आप ध्यान देखिए आप गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो पे रखें। मैंने सारे कबाब्स को पैन में अच्छे से डाल दिए हैं। अब हम इसे कुक करेंगे। आप इसे स्लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करें। 3 से 4 मिनट जब हो जाए तब आप इसका ढक्कन लगा दें और इसे 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरह से ढक्कन लगा के छोड़ दें स्लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए 10 से 12 मिनट हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे। आप देखेंगे कि चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर ले और इसका पानी सुखा ले। जब पानी अच्छे से सूख जाए तब आप इसे पलट ले और इसे दूसरे साइड से भी पका ले। दूसरे साइड से पकाने समय आप गैस का फ्लेम फिर से स्लो पे कर दे और इसे 2 मिनट तक पका के गैस का फ्लेम बंद कर ले। अब हम इसे गैस में इस तरह से रोस्ट करेंगे। आप गैस का फ्लेम ऑन कर लें और इसे इस तरह से हाथों की मदद से आप इस सीख को पकड़ लें और इसे ध्यान से रोस्ट कर लें। हम ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें एक कबाब का जो फ्लेवर होता है वो आ जाए। इस तरह से आप सारे कबाब को इसमें फिर से रोस्ट कर लें और इसे सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।